हेलो फ्रेंड्स, अंजू इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक सोल्डिंग आयरन। तो इस बनाने से वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहे। हमारे चैनल में पहली बार देख रहे तो लाइक शेयर अने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसी नॉलेज आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए। तो बिना देरी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड, मैंने एक तेल का डब्बा लिया है। इसे मैंने इसी तरह से यहाँ एक डिसमिस यहाँ रख कर इसे हम गोल घुमाकर इसे हम एक पाइप बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से ये पाइप बना लिया है। तो इसी तरह से आपको ये पाइप बना लेना है। अब मैं इसे यहाँ तो हम एक कॉपर वायर लेंगे, आप देख सकते हैं बड़ा वाला है कॉपर वायर। तो इसी तरह से आपको ये ले लेना है। तो इस पाइप को अंदर रख कर आपको ये मार्किंग कर लेना है कि कितना आपको चाहिए। तो मैंने इसी तरह से यहाँ रख कर इसे हम यहाँ कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे मैं यहाँ से मैं कटिंग कर लेते हैं पहले। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉपर वायर को कटिंग कर लिया है। इसी तरह से आपको यह कर लेना है और इसके आपको जितना चाहे इतना कटिंग कर सकते हैं कॉपर वायर को। अब मैं इसे हम सोल्डिंग वायरिंग जैसा हम बना लेंगे। तो मैं सैंड पेपर से खींच कर आप सोल्डिंग आयरन जैसा आपको ये बना लेना है। तो मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको यह खींच कर बना लेना है। अब मैं इसे हम एक फाइबर स्लिप लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हम कॉपर वायर के अंदर डाल देंगे। तो इसे हम पहले कटिंग कर लेते हैं फाइबर स्लिप को। मैंने कटिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इस कॉपर वायर के ऊपर इसी तरह से अंदर डाल देंगे। तो इसी तरह से आपको ये डाल लेना है। मैंने डाल लिया है, इसे हम गरम करेंगे। तो इसे हम एक हीटिंग एलिमेंट लिएंगे। तो मैंने ये लिया है हीटिंग एलिमेंट। तो इसे हम यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग आती है, इसे हम लंबा कर लेंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे लंबा कर लिया है और इसे कटिंग भी कर लिया है। अब हम इस फाइबर स्लिप के ऊपर यहाँ हम वॉल चढ़ा के इसे हम गोल गोल घुमाकर फिट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह से फाइबर स्लिप के ऊपर हम लगा लिया है एलिमेंट वायर को। तो इसी तरह से आपको गोल गोल घुमा कर लगा लेना है। इसी तरह से आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर लेना और एक प्यारी सी कमेंट कर लेना आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो मैंने इसी तरह से आप देख सकते हैं मैंने फाइबर स्लिप के ऊपर इसी तरह से मैंने एलिमेंट लगा लिया है। तो इसी तरह से आपको यह लगा लेना है, इसमें टस नहीं होना देना होगा। इसी तरह से आपको गैप रख कर लगा लेना है। अब हम दो वायर लेंगे और एक रेड और ब्लैक वायर। तो इसे हम एक एक पॉइंट पर हम यहाँ सोल्डिंग करेंगे। तो पहले मैं दोनों को सोल्डिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको ये सोल्डिंग कर लेना है दोनों पॉइंट को। अब मैं इसे फाइबर स्लिप इस रेड वायर के ऊपर लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने फाइबर स्लिप ले लिया है। अब हम रेड वायर के ऊपर इसी तरह से हम लगा लेंगे कि हमारा ये वायर गर्म ना हो सके, इसलिए आपको ये लगा लेना है। अब हम ब्लैक वायर पर इसी तरह से हम फाइबर स्लिप इसके ऊपर लगा लेते हैं कि हमारा ये वायर जलाना जले नहीं, इसलिए आपको ये लगा लेना है। वरना आपका दोनों वायर को टच होगा तो आप की बैटरी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपको फाइबर स्लिप प्लीज लगा लेना है। तो इसी तरह से मैंने लगा लिया है। अब मैं इस सभी को अंदर फिट करेंगे इस पाइप के अंदर। तो आप देख सकते हैं मैं इसके अंदर फिट कर लिया है। इसी तरह से आपको ये सभी
पार्ट को अंदर फिट कर लेना है। अब मैं इससे इस पाइप लेते हैं, ये बिजली फिटिंग में आते हैं, तो इसी तरह से मैंने कटिंग करके रख लिया है पहले से कि वीडियो हमारा लंबा ना हो चुके, इसलिए तो इसी तरह से हम लगाएंगे। तो यहाँ हमारा ये बड़ा होल है पाइप के अंदर, तो हम एक लकड़ी के एक गोल कटिंग करके इसी तरह से मैंने ले लिया है लकड़ी का, और इसके अंदर फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से फिट होगा, तो इसमें हमारा एक होल करेंगे, सोल्डरिंग आयरन इसके अंदर हम फिट करेंगे। तो पहले मैं इसे होल कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने होल भी कर लिया है। अब मैं सोल्डरिंग आयरन यहाँ से फिट करेंगे, तो हम दोनों वायरों को इसे हम अंदर डाल देंगे और इसे हम फिट करेंगे। तो इसी तरह से आपको ये दोनों वायर इस लकड़े के अंदर डाल देना है और दोनों वायर को बाहर निकाल लेना है, और हमारा सोल्डरिंग आयरन यहाँ से अंदर लगा लेना है इसी तरह से। तो मैंने लगा लिया है, तो इसे मैं फेविक भी चिपका लिया है, इसी तरह से आपको ये चिपका लेना है। अब मैं इससे हम इस पाइप के अंदर फिट करेंगे, आप देख सकते हैं, तो दोनों वायर अंदर डाल दिया। अब मैं इस लकड़ी के इसे अंदर फिट कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको ये लगा लेना है, और हमारा ये इसे हम फेंकी के मदद से भी चिपका लेंगे। तो इसमें हम एक जैक लेंगे इसे हम पावर देने के लिए, तो यहाँ हम लगा लेंगे। तो पहले हम पीयूसी शीट से यहाँ गोल कटिंग करके यहाँ हम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पीयूसी शीट से इसी तरह से गोल कर लिया है। अब मैं इस जैक को यहाँ रख कर हम मार्किंग पहले कर लेते हैं। तो मैंने मार्किंग कर लिया है दोस्तों, अब मैं इससे कटिंग कर लेते। तो आप देख सकते हैं मैंने गोल कटिंग कर लिया है। अब हमारा ये जैक को अंदर फिट करेंगे, तो इसी तरह से आपको ये फिट कर लेना है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव को आपको मैं दिखाते हैं। तो इसमें हमारा 20 वाला है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसी तरह से आपको ये वायरिंग करने के लिए ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा ब्लैक वायर लगेंगे और इसमें हमारा रेड वायर लगेंगे, आपको वीडियो में देखकर कर लेना है, मेरे बोली में समझ में ना आए तो। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों वायर को सोल्डरिंग कर लिया है, 20 वाली में रेड वायर और साइड वाली में मैंने ब्लैक वायर इसी तरह से मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अब मैं इस पाइप के अंदर वायर धक्कल देंगे और इसके अंदर हम ये चिपका लेते हैं फेंकी के मदद से अच्छी तरह से। तो मैंने फेंकी के मदद से अच्छी तरह से चिपका लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसने हम चिपकाएंगे, तो मैं इससे हम ये तो इसमें हम एमसी लेंगे, आप देख सकते हैं इसके अंदर दो ट्यूब आती है, तो इससे हम मिक्सिंग करके यहाँ हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये दो ट्यूब है, इसे अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेते हैं। तो मैंने मिक्सिंग कर लिया है दोनों ट्यूब को। अब मैं इस सोल्डरिंग आयरन के ऊपर हम यहाँ चिपका लेंगे, तो इसी तरह से आपको ये चिपका लेना है एम सील को कि हमारा ये बाहर ना आए, इसलिए आपको ये अच्छी तरह से ये चिपका लेना है। अब मैं इससे थोड़ी देर रहने देना होगा कि हमारा ये एम सील सूख जाए और अच्छी तरह से ये चिपक जाएगा, बाहर नहीं आएगा इसलिए। तो मैंने इसी तरह से सूख गया है, आप देख सकते हैं एम सील हमारा ये पत्थर बन चुका है इसी तरह से। तो इसमें हम बैटरी के पावर देंगे, तो इसे हम सोल्डरिंग आयरन को चेक करके आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 12 वोल्ट बैटरी लिया है, तो इसके अंदर हम ये मेल जैक को अंदर फिट करेंगे, तो इसमें हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे लगा लिया है, तो इस सोल्डरिंग आयरन में आप देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्डरिंग आयरन गर्म हो चुका
है तो इसी तरह से आपको ये सोल्डिंग आयरन घर पर आसानी से बना सकते हैं। कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होगी, आप फक्त 12 वोल्ट बैटरी से इसे सोल्डिंग कर सकते हैं। आपको ज़रा सी ये वीडियो में समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर लेना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारे सी कमेंट भी कर लेना है। तो इसी तरह से आपको ये सोल्डिंग आयरन बन जाएगा। तो मैं इससे एक सोल्डिंग आयरन से मैं एक वायर ले लेते हैं, आप देख सकते हैं सोल्डिंग। तो यहाँ से हम पिघला कर आपको दिखाएंगे। तो मैं सोल्डिंग, आप देख सकते हैं सोल्डिंग वायर है, तो इसे हम टच करेंगे तो इसे हमारा ये पिघल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पिघल सकता है। इसी तरह से आपको ये कोई भी सर्किट को, वायर को सोल्डिंग कर सकते हैं बिना लाइट के लिए। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैं पिघला देते हैं ये सोल्डिंग और अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर, अने चैनल में नए लोग देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, त्यासुदी बाय बाय दोस्तों।